आज का हमारा प्रैक्टिकल है कि हम पराशर का अंकुरण का अध्ययन करेंगे अपने इस प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले देखिए आपको एक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसका क्या नाम है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये चाहिए। और हमारे पास ये है कैविटी स्लाइड, आप देख सकते हैं कि स्लाइड के बीचों बीच छोटा सा गड्ढा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, कैविटी स्लाइड कहते हैं। एक कैविटी स्लाइड की जरूरत है तो मैंने दो ले लिया है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। और हमारे पास ये है कवर स्लिप, इसमें एक पतली सी पट्टी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है ये पतली सी पट्टी है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, है ना, ये शीशे की पतली सी पट्टी, इसको कवर स्लिप बोलते हैं। ये गोल भी आती है, स्क्वायर शेप की भी आती है, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये चाहिए कवर स्लिप। इसके अलावा हमको एक डिसेक्शन बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, इसमें तमाम प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं, सामान है, जैसे चिमटी हो गया, कैंची हो गया, और भी तमाम चीजें इसमें है। और इसके अलावा ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, इसकी एक दो बूंद की जरूरत पड़ती है, तो ये चाहिए हमको ग्लिसरॉल की। और सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है परागकण, परागकण को हम किसी फ्लावर पार्ट से ही आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमको एक फूल चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए जिसमें परागकण बहुत क्लियर दिखे आपको, ठीक है। तो हमने लिया है गुड़हल का, ये पुष्प गुड़हल में परागकण बहुत ही क्लियर रहते हैं, इसलिए हमने गुड़हल का लिया है। तो चलिए प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, आप ये कैविटी स्लाइड लेंगे, कैविटी स्लाइड में देख लीजिएगा ध्यान से कि कैविटी किस तरफ है, अपर सरफेस की तरफ एक कैविटी, एक गड्ढा है, तो इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब आप ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद ग्लिसरॉल लेंगे, एक बूंद ग्लिसरॉल लेंगे ड्रॉपर की सहायता से। ग्लिसरॉल निकालने के लिए
और एक तरफ से ऐसे झुका करके धीरे से इसके ऊपर अब रख देंगे, ठीक है। आप धीरे से इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा आप इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली बढ़िया से एकदम चिपक गया है। थोड़ा नजदीक लाकर दिखा दीजिए, देख सकते हैं, दिख रहा है ना, ये बढ़िया से एकदम चिपक गया, दिख रहा सबको, दिख रहा ना। ये स्लाइड टेम्परेरी स्लाइड कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हमारे पास तमाम परमानेंट स्लाइड है। हम अगले प्रैक्टिकल के माध्यम से परमानेंट स्लाइड भी दिखाएंगे, माइक्रोस्कोप पर तमाम रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब तैयार स्लाइड है, टेम्परेरी स्लाइड, इसको हम माइक्रोस्कोप पर रखेंगे, सेट करेंगे और देखेंगे इसके अंदर परागकण की क्या कंडीशन है, ठीक है। ओके, चलिए सेट करते हैं। सेट करने के लिए आप इस बेस पर, ये स्टेज कहलाता है, इस पॉइंट पर स्टेज करते हैं, ठीक है। स्टेज के ऊपर आप इसको ऐसे रखेंगे और स्पिन की सहायता से इसको आप पुशअप करेंगे और फिर जो है आप इसको सेट कर लीजिए। तो स्लाइड हमारा सेट हो चुका है, स्लाइड हमारा सेट हो चुका है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये स्लाइड सेट हो चुकी है, अब इसको देखने की बारी है, ठीक है। अब इसको जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको राउंडेड राउंडेड जो है पार्ट दिखाई देंगे, छोटे छोटे, वही परागकण है। और परागकण के अंदर की चीजें आपको, जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि परागकण का जब अंकुरण होता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है दो भाग में, जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस बनते हैं, है ना। फिर उसके बाद जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो भाग में, जिससे दो मेल गैमेट बनते हैं। तो वो सारी जो स्टेजेस हैं वो आपको इसके अंदर नहीं दिखेंगी, ठीक है। हाँ, आपको परागकण क्लियरली दिखेगा, आपको वही देखना है इस प्रैक्टिकल के माध्यम से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं आपको हम। ये देख लीजिए, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं यही पॉलन ग्रेन्स हैं। इनको अगर आप कुछ देर के लिए रख देंगे, कुछ घंटों के लिए रख देंगे, तो ये जर्मिनेट होंगे, अपने आप अंकुरित होंगे। तो इस प्रकार से आप कहीं भी किसी भी स्थान पर इन सामानों की उपलब्धता में आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं इसमें जो राउंडेड पार्ट दिख रहे हैं, वही पॉलन ग्रेन्स हैं, और उसमें पतला सा पॉलन ट्यूब टाइप का बना हुआ है, आप देख लीजिए क्लियरली। ये है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, परागकण का अंकुरण है।